सोलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मदार, आप देख रहे हैं टेक्निकल मदार। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी चीज जिसे आपको लगाने के बाद, यूज करने के बाद आपकी जो लाइट का बिल होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। क्योंकि जो बैटरी का और जो बैटरी में लगाने वाला सोलर कंट्रोलर होता है, जो कि हम प्लेट पे पैनल पर लगाते हैं, तो वो यूज उस वो इस्तेमाल तब करता है जब हमारी बैटरी डाउन होती है। और जो है, मतलब अगर आपकी बैटरी डाउन है तब भी इन्वर्टर जो है वो चार्जिंग करता रहता है। जब इन्वर्टर जो है बैटरी को फुल कर देता है, उसके बाद जो है वो कंट्रोलर कट कर देता है, फिर पैनल चार्जिंग नहीं देता है। तो इसका ये हुआ कि आपकी बैटरी जब इन्वर्टर ने लाइट ने फुल कर दी, उसके बाद जो है सोलर पैनल कट करता है। उससे पहले इन्वर्टर कट नहीं करता है जब तक आपका बैटरी जो है वो फुल चार्ज नहीं होती है। आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसी चीज बताऊंगा कि आप उसको लगाने के बाद फ्रेंड्स, मतलब जो है आपकी अगर लाइट है फिर भी इन्वर्टर चार्जिंग नहीं करेगा, ये देखते हुए कि धूप कितने परसेंट है और कितने एम्पियर जो है वो चार्जिंग बैटरी को आ रही है, ये सब चीजें देखते हुए वो जो है वो इन्वर्टर की चार्जिंग को वो कट करवा देगा। वो मेरे पास इस टाइम है तो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, उसके प्राइस वगैरह बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप इस इंस्टाग्राम की आईडी जो देख रहे हो इस पर फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो है बैटरी से रिलेटेड हर नॉलेज मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और आप मुझे कॉल भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, किसी प्रकार की कोई भी बैटरी की जानकारी मुझसे ले सकते हो। तो दोस्तों, जैसा ये होता है कि हमारी बैटरी मॉर्निंग में 10 बजे के टाइम जो है वो डाउन है, और अगर सोलर वाला कंट्रोलर लगा हुआ होता है तो बैटरी को चार्जिंग करता रहता है पैनल द्वारा भी, और इन्वर्टर भी चार्जिंग करता रहता है लाइट के द्वारा। बट ये जो है, अगर लगा होगा आपके पैनल पर, इन्वर्टर पर, तो इससे ये होगा कि अगर आपका मॉर्निंग में सुबह धूप अच्छी है और बैटरी जो है वो डाउन है, तो ये लाइट की चार्जिंग नहीं लेगा बल्कि सोलर को से चार्जिंग ही करेगा केवल। बल्कि जो कंट्रोलर होते हैं वो ये सिस्टम नहीं होता है उनमें, वो इन्वर्टर से भी चार्जिंग करता है और पैनल से भी। हालांकि पूरा दिन जो है वो पैनल का कंट्रोलर जो है कट करा रहता है, पैनल का करंट जो है वो फ्री में चला जाता है, ये सब होता है कंट्रोलर में। बट इसमें जो है वो आपके पैनल का करंट जो है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज़ क्या है और कैसे हमें इस्तेमाल करना है, कैसे फिटिंग करना है, कैसे कहाँ से मिलेगी गारंटी वारंटी कितनी। इसकी फुल गारंटी मिलेगी आपकी, जो कि माइक्रोटेक इन्वर्टर की होती है, इसकी भी फुल आपको गारंटी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को समझाते हैं A to Z स्टेप। फ्रेंड्स, देखते रहिए। तो दोस्तों, मैं माइक्रोटेक सोलर इन्वर्टर की जिसकी मैं बात कर रहा था वो यही है फ्रेंड्स। तो बहुत ही छोटा साइज है, जैसे हमारे सोलर कंट्रोलर का होता है उसी साइज है, वही साइज है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो 600 वाट पैनल लगाने का सिस्टम मिल रहा है, क्योंकि ये 12 वोल्ट का है, इसे हम 12 वोल्ट में ही यूज कर सकते हैं। और इसका यूज कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करता है। आपकी बैटरी अगर डाउन है तो ये डायरेक्ट सोलर पैनल का ही करंट लेगा, बैटरी लाइट का करंट नहीं लेगा, इससे हमारा बिल बहुत कम आएगा। और जो वाले कंट्रोल होते हैं तो वो दोनों का करंट लेते हैं, बैटरी भी चार्जिंग करती है, मतलब इन्वर्टर भी बैटरी को चार्जिंग करता है और पैनल भी। अगर आपकी सुबह 12 बजे जो है बैटरी फुल हो गई तो पैनल का करंट जो है वो पूरा दिन बर्बाद चला जाता है। इसमें ये सिस्टम नहीं है, इसमें ये है कि अगर आपकी बैटरी डाउन है और लाइट है तो लाइट का करंट नहीं लेगी, बल्कि अगर तेज धूप होगी तो ये केवल और केवल सोलर पैनल का करंट लेगा इससे। तो जो इन्वर्टर का प्लग होता है, हर इन्वर्टर में एक प्लग होता है, जैसे दोस्तों देख सकते हो आप, ये जो प्लग है ये माइक्रोटेक इन्वर्टर का प्लग है। तो कोई भी इन्वर्टर अगर आपके यहाँ लगा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसमें एक सॉकेट मिलेगा। ये बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, आप जैसा मर्जी वैसा ले सकते हो। तो इन्वर्टर का प्लग हमने जो है वो कुछ नहीं करना है, वो यहाँ पे लगा देना है, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे। इसमें भी एक प्लग होगा, इसमें आप देख सकते हो AC वाला, ये जो है वो प्लग जहाँ पे ये इन्वर्टर का प्लग लगा होगा वहीं उसी बोर्ड में हमें इस प्लग को लगा देना है। ये प्लग देख रहे हो आप, ये भी इतनी बड़ा है, इस प्लग को लगा देना है। उसके बाद जो पैनल के तार होंगे, मतलब जो पैनल आप लगाते हो या कंट्रोलर लगा है तो उसमें जो पैनल के तार होंगे, तो इसमें सब लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है पैनल PB, लिखा हुआ है पैनल वोल्टेज प्लस और माइनस। तो ये आप दो दो चार देखोगे इसमें, और इसमें जो है वो सोलर के तार प्लस और माइनस लगाना है, माइनस और प्लस। उसके बाद हमें मिल रहे हैं बैटरी के, एक तार का टुकड़ा हमें लेना है 1 मीटर लगभग लंबा, जो कि हमारी ये बैटरी के तार इसमें लग के और बैटरी में लग जाए। उसके बाद दो तार लेने हैं हमें, 2 mm के या 4 mm के, 1 1 मीटर, और इसमें लगा देना है प्लस, इसमें लगा देना माइनस। ये जो दो तो तार हैं ये बैटरी में लग जाएंगे हमारी,
और ये जो है वो सोलर के तार आए हुए हैं। तो ये इससे ये होगा कि पूरा सिस्टम लाइट का भी और सोलर पैनल का भी यही लेगा। तो इसका दोस्तों प्राइस जो है वो लगभग 1000 रुपये के समथिंग है। इसमें ऑन ऑफ का स्विच भी है, आप इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो और 2 ईयर्स की वारंटी मिल रही है। मतलब कोई भी फॉल्ट आता है अगर हमें इसमें, तो हमें 2 साल तक घर पे ही हमारा पूरा सिस्टम जो है वो बन जाएगा। कोई हमें चार्ज नहीं देना, कोई रुपये नहीं देना। और इसमें आपको ऑप्शंस भी दिखाएगा, सोलर चार्जिंग का ऑप्शन, उसके बाद पैनल का और बैटरी आउटपुट, ये सब जो है वो सिस्टम दिखाएगा। इसमें आप आराम से देख सकते हो। एम टेक इसका जो मॉडल है, एम टेक 1012 SMU, माइक्रोटेक टेक्नोलॉजी बिल्ड, ये सब लिखा हुआ है। मतलब सोलर मैनेजमेंट यूनिट, ये एक मैनेजमेंट यूनिट है माइक्रोटेक कंपनी का। अच्छा है, मैं ये यूज कर चुका हूँ, सेल भी कर चुका हूँ। आपका ये जो है वो बैटरी में लाइट को कम खपत करेगा, बल्कि सोलर को ज्यादा। अगर आपकी बैटरी डाउन होगी तो सोलर से करंट लेगा, इससे आपका बिल जो है वो बैटरी लाइट का कम आएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है। और लगाने के लिए आपको यहाँ पर 2 मिल जाएंगे, मतलब आप आराम से दीवार में भी लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा है, आप लगा सकते हो। प्लस इसकी 2 ईयर्स की वारंटी मिल रही है। 2 ईयर्स में कोई भी फॉल्ट आता है तो हमें ये जो है नया नहीं मिलेगा, बल्कि हमारा रिपेयर होगा, जैसे हमारे इन्वर्टर रिपेयर होते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यार फ्रेंड, आपका चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और बहुत अच्छी है, मतलब आपकी बहुत कम रेटों में इतने तो का तो कंट्रोलर ही मिलता है और कोई गारंटी नहीं मिलती उसकी। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स से यही कहूंगा कि आप यही लेना, आपको हर कहीं मिल जाएगी, 2 ईयर्स की वारंटी मिल जाएगी, पूरा सिस्टम मिल जाएगा। तो बस ये है कि लाइट की कम खपत करेगा और जो है पैनल को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, इसलिए लाइट का बिल हमारा बहुत कम आएगा। बस मैं दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये आप ले सकते हो कंट्रोलर की जगह पे और इस्तेमाल कर सकते हो। चलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो।